हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज का ये मेरा रिक्वेस्टेड मेकअप लुक था, प्रिया ने किया था। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ब्लैक सॉफ्ट स्मोकी आई, और ये लुक कोई भी क्रिएट कर सकता है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी कर सकती हैं, किसी शादी पार्टी में भी आप कर सकते हो। इस लुक को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकअप बेस में सबसे पहले आपको टोनर अप्लाई करना है। टोनर से जो भी आपके ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। देन आपका सीरम यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप प्राइमर यूज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई करूँगी और ये टी जोन एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि हम लोग को पसीना यहीं बहुत ज़्यादा आता है। और अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे ताकि मेरे पोर्स क्लोज हो जाए। यहाँ पे अप्लाई करूँगी फाउंडेशन, और मैं ब्रश से ही अप्लाई करूँगी। ये मेरा लैक्मे 925 प्राइमर मैट फाउंडेशन है, और गैस ये बहुत ही अच्छा है। ये मेरा सेट नंबर है 320। आप अपने सेट का लेना चाहते हैं तो आप पहले शॉप पे जाके देख लीजिए, देन आप ऑनलाइन आप मंगाइएगा। तो गैस मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। गैस इस ब्रश से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मैंने ये ब्रश सीन से लिया था, अभी तो सीन बंद हो चुका है। और गैस ये काफ़ी सस्ता था, मेरा ब्रश काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंडिंग हो जाता है, आप जैसा कि देख सकते हैं। और इसे डैप डैप करके अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, ताकि आपका फेस एकदम फ्लॉलेस लगे, क्योंकि से आपका मेकअप ना हो। हमेशा याद रखें कि फाउंडेशन को डिप डिप करके देन अप्लाई किया कीजिए। देन गाइस यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। ये मेरा NYVA का कंसीलर है। ये मैंने 195 का इसकी प्राइस है, बट मैंने ऑफर में मंगाया था और ये मेरा ख़त्म होने वाला है। और गाइस मैं कंसीलर वहीं अप्लाई की हूँ जहाँ मुझे नीड है, डार्क सर्कल पे। इस तरीके से अगर आप अप्लाई करके और ब्लेंड करते हो तो काफ़ी आपकी स्किन अच्छी लगती है। देन मैं लूज पाउडर अप्लाई करूँगी। गैस ये मेरा क्लैमी का लूज पाउडर है, काफ़ी इफेक्टिव है, और टी जोन एरिया पे ही अप्लाई करूँगी। और ये बेक कर ली हूँ, फिर इसको रिमूव करूँगी जब मेरा मेकअप सेट हो जाएगा। मेरा कंसीलर सेट ब्रश की हेल्प से रिमूव कर दिया। देन गैस मेरा नंबर आया था आई शेडो का, तो मैं यहाँ पर लगाऊँगी ब्लैक। सबसे पहले मैं यहाँ पर हल्का सा पीच कलर ले रही हूँ और इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपने क्रीज लाइन पे। अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। मैं बहुत इजी तरीका बताती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना गाइस। देन अपने काजल की हेल्प से मैं इसको आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। और इस तरीके से अगर आप कॉर्नर बना लेते हो तो आपकी आई काफ़ी स्मोकी लगती है और बहुत अच्छे से आपका आई शैडो ब्लेंड होता है। अगर आप बिगनर गर्ल हो तो इस तरीके से आप अपना आई शैडो अप्लाई कर सकते हैं। देन मैं उसमें अपना ये काजल जो है हल्का से लगा के और एक ब्रश के बस यहाँ पे मैं लूँगी ब्लैक आई शैडो, और मैं लेके उसके बीच में ही जो लाइन मैंने बनाया है उसे मैं ब्लेंडिंग कर लूँगी ब्लैक आई शैडो को, ताकि मेरी आंखें और ब्लैक लगे और स्मोकी लगे। देन गाइस मैंने ये लिया है ब्लेंडिंग ब्रश, और वही पिंक कलर ब्लैक कलर को मैं अच्छे से ब्लेंड की हूँ। देन यहाँ पे क्लैमी का लगाऊंगी मेकअप फिक्सर, और उसे लगाने के बाद मैं ब्रश फाउंडेशन ब्रश से ही डैप डैप करके अपना मेकअप को सेट कर लूँगी। इससे क्या होता है, जो भी आपका एक्स्ट्रा फाउंडेशन और पाउडर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। देन मैं स्पूली की हेल्प से अपना आईब्रो फिल करूँगी। उसके बाद से एक एंगुलर ब्रश मैंने लिया हुआ है, और मैंने ब्लैक आई शैडो से ही इसको सेट किया हुआ है, फिर इस पुली के हेल्प से सेट कर लूँगी। गैस इस तरीके से आप करेंगे बहुत अच्छा लुक आएगा। और गैस ये मेरा है आईलेसेस कर्लर, तो इसे मैं अपना आईलेस कर्ल कर लूँगी। देन मैं मस्कारा लगाऊँगी, ये भी मेरा इनसाइड का ही है। और आप लोग बताइएगा कि आई का मेकअप कैसा हुआ है, लोअर लेसेस पे भी अप्लाई कर। देन गैस मैं अब बारी आता है ब्लश का, तो मैं यहाँ पे ली हूँ पिंक कलर ब्लश और अच्छे से इसे ब्लेंड कर ली हूँ। देन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ग्लाम 21 का HD हाईलाइटर, अपने हाईलाइट एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, ब्राउ बोन पे, अपने चिक के पास, और अपने नोज पे, अपने लिप्स और चिन पे। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिस ब्यूटी का न्यूट लिपस्टिक, और गैस इसमें थोड़ा पिंक दिख रहा होगा आप लोगों को, बट ये न्यूट कलर है। मेरा सेट नंबर है 27। आप मेरा मेकअप देख लीजिए कैसा हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और मेरा मेकअप का स्टेप कैसा लगा, मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और इस लुक को कोई भी गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं, मतलब क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप कॉलेज जाते हो प्रोफेशनल कॉलेज तो इस लुक को क्रिएट करके जा सकते हैं, या अदरवाइज कहीं भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये लुक मतलब शादी पार्टी अगर इस तरीके से आप लुक रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस फर्क कितना रहेगा कि आपको ड्रेस उसके अकॉर्डिंग पहनना होगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और फिर मैंने यहाँ पे हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो क्या रिक्वेस्ट है आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।